इक्कीस एक औकिया सोने ने मेरी नींद हराम कर दी है, मुझे सोने नहीं दे रहा होगा। अल्लाह के रसूल से ज्यादा दान करने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं था, दान करने वाला कोई नहीं। एक फकीर आया, कहा अल्लाह के रसूल मुझे अल्लाह की राह में कुछ दे दो, कुछ था ही नहीं। आपने कहा अभी तो नहीं है, कहने लगा मैं क्या करूं। आपने कहा बैठ जाओ, कहीं से आएगा तो दे दूंगा। बैठ गए, थोड़ी देर में दूसरा आ गया, देने तो आया नहीं, मांगने आ गया, अल्लाह के नाम पे मुझे भी कुछ दे दो। आपने कहा तू भी बैठ जा। थोड़ी देर में तीसरा आ गया, अल्लाह के रसूल मुझे भी अल्लाह के नाम पे है कुछ नहीं। आपने कहा अच्छा तू भी बैठ जा। फिर थोड़ी देर के बाद चार औकिया चांदी कहीं से आ गए, सोना, चार औकिया सोना कहीं से आ गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक औकिया तीनों को दे दिया, जाओ। अब एक बच गया, आपने अपने पास रख लिया, ये सोचकर अभी शाम दूर है, हो सकता कोई ज़रूरतमंद आ जाए तो ये उसको दे दूंगा, क्योंकि सदक़े का माल है। शाम हो गई, कोई नहीं आया, और एक औकिया सोना अल्लाह के नबी के पास रखा रहा। इशा की अजान तक कोई नहीं आया, अल्लाह के नबी सो गए। तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठे तो सबसे पहले दरवाज़ा खोला, देखा बाहर कोई नहीं, वो सोना अल्लाह के नबी के तकिए के नीचे रखा हुआ था एक औकिया। आपने वजू बनाया, फिर बाहर निकले, देखा कोई नहीं, फिर अंदर आए, दो रकात नमाज पढ़ी, फिर आप बाहर निकले कि देखें कोई जरूरतमंद मिल जाए उसको दे दूं, लेकिन कोई नहीं। फिर आपने दो रकात नमाज पढ़ी, फिर बाहर निकले, कोई जरूरतमंद दिख जाए उसको दे दूं, लेकिन कोई नहीं। फिर आप आए, फिर दो रकात नमाज पढ़ी, फिर जरूरतमंद को देखा, लेकिन कोई नहीं। हजरत आयशा कहती है अल्लाह के रसूल मैंने आपको कभी ऐसा नहीं देखा, आप बार बार बाहर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं, फिर बाहर जाते हैं। आपका पेट तो ठीक है, मोशन तो नहीं हो गए हैं, या आप बार बार क्यों जा रहे हैं बाहर, आपको दस्त तो नहीं लग गए, लेटरिन तो नहीं हो रही है। अल्लाह के नबी कहते नहीं आयशा सो जाओ, तुम सो जाओ। फरमाया मैं कैसे सो जाऊं, मेरा सरताज मेरा शौहर परेशान हो, बार बार घर से निकलता हो, बिस्तर पर आता हो, कमरे में आके नमाज पढ़ के फिर बाहर जाता हो, फिर बेचैन हो और बार बार बाहर निकल रहा हो, मैं सो जाऊं। फरमाया आयशा निकाला सोना, का इस एक औकिया सोने ने मेरी नींद हराम कर दी है, मुझे सोने नहीं दे रहा है, ये सदके का माल है, जरूरत मत कहा गया कि उसको पहुंचाऊं। मैं ये सोच में पड़ गया कि चार औकिया आया था, तीन तो मैंने दे दिया, एक बच गया, अगर आज की रात मेरा इंतकाल हो गया और एक औकिया सोना मेरे पास रखा रहा तो मैं कल अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगा, उसको क्या मुंह दिखाऊंगा। इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है कि जरूरतमंद को दे दिया जाए। इतने बड़े दानी, इतने बड़े सदका व खैरात करने वाले थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छठी सिफत हो गई दानी, और सातवीं है कृतज्ञ। एहसान करेंगे लेकिन जताएंगे नहीं। अल्लाह के रसूल ने जिस पर एहसान किया कभी जताया नहीं।